नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मेहरो और आप देख रहे हैं न्यूज 24 पंजाब हरियाणा। शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी और मुख्य खबरों के साथ और देखते रहिए आज की बड़ी अहम खबरें। जैसे ही 2022 के विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं, वैसे ही हर पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान पर निकलकर बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही जो रैलियां हैं उन्हें भी शुरू कर दिए गए। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से 15 लाख लोगों का सेहत बीमा किया गया है, जिससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पंजाब कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हरकत में आ चुका है। आपको वही बता दें कि जहां पिछले समय अगर बात की जाए तो प्रगट सिंह और पंजाब कांग्रेस में एक ऐसी बात भी देखने को मिली जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से 2017 के चुनाव में एक वादा किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी से दूर हटकर नौकरी दी जाएगी। लेकिन वहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि पंजाब कांग्रेस में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपने ही घर में नौकरी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं हर एक पार्टी की तरफ से बयान है वो शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर बात की जाए आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये वादा किया गया था कि पंजाब में हर एक युवा को नौकरी दी जाएगी। लेकिन उससे उपरांत ही आपको बता दें कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पंजाब कांग्रेस अब लोगों के बजाय अपने ही घर में नौकरी देने को तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस नेताओं की तरफ से शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में नीलम थिएटर के बाहर सभी युवा कांग्रेस की तरफ से प्याज आलू ब्रेड पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की तरफ से जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी की तरफ से 20 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है, वहीं युवा कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की बजाय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में नीलम थिएटर के बाहर गलों में अपने ही गले में डिग्री डालकर एक साफ तौर पर चुनौती दी कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी कम होगी, लेकिन उसके ही उलट भारत में जो है बेरोजगारी बढ़ती नजर दिखाई दे रही है। इसी के उपरांत युवा कांग्रेस की तरफ से सेक्टर 17 में एक हड़ताल भी की गई, रोष प्रदर्शन भी किया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 1971 के भारत पाक युद्ध को तकरीबन 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भारत में 3 बड़े राज्यों में भारतीय विमानों का आसमान में करतब दिखाया जाएगा। वहीं 22 सितंबर को चंडीगढ़ में सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना की तरफ से भारतीय विमानों को सुखना लेक के ऊपर तकरीबन शाम 4 बजे के करीब करतब दिखाया जाएगा। वहीं इसकी आहट में चंडीगढ़ के सभी वासियों को एक खुशी की लहर देखने को मिलेगी और वहीं सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना के सभी विमान करतब करते हुए नजर दिखाई देंगे।